भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज, जहां पर न्यूजीलैंड ये सोचकर आया था कि 3 दशक के बाद शायद उनको सीरीज में जीत मिलेगी, लेकिन ऐसा हो ना सका। और अब भारतीय टीम की नजर है क्लीन स्वीप करने पर। ऐसा करके भारतीय टीम नंबर 1 बन सकती है आईसीसी वनडे रैंकिंग पर। क्या करना होगा इसके लिए, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पूर्व भारतीय क्रिकेटर वसीम जाफर। बहुत बहुत स्वागत वसीम आपका। शुक्रिया सैयद। और वसीम, ये स्पेन क्रिकेट फॉर मैच से हिंदी की शुरुआत सबसे पहले हम इसी सवाल से करते हैं कि क्या भारतीय टीम नंबर 1 बनने के बेहद करीब आ गई है? क्या यहाँ पर इस बार न्यूजीलैंड को हराकर उस मुकाम पर भी पहुंच जाएंगे, टेस्ट में भी नंबर 1, वनडे में भी नंबर 1, T20 में भी नंबर 1? जी हाँ, भारत के पास बहुत बढ़िया चांस है। T20 में तो भारतीय है टीम है ही 1 नंबर पे, वनडे में 2 नंबर पर है, और अगर ये अगला वनडे जीत जाती है तो डेफिनेटली 1 हो जाएगी, और ऑस्ट्रेलिया से अगर 2-0 से अगर जीत जाती है सीरीज तो वहां भी 1 नंबर पे पहुंच जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये दोनों ही चीज बहुत पॉसिबल है जिस तरह से इंडियन टीम खेल रही है। वनडे में तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली 1 नंबर 1 पे पहुंच जाएगी। लेकिन इसके लिए करना क्या होगा वसीम, क्योंकि न्यूजीलैंड को हम इतना हल्के में आंक नहीं सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि रायपुर में हर मुकाबले में हर विभाग में भारतीय टीम ऊपर रही, पर ये वापसी के लिए जानी जाती है, और व्हाइट वॉश से बचने के लिए एडी चोटी का जोर जरूर लगाएगी न्यूजीलैंड। हाँ, लगाना भी चाहिए, वर्ल्ड नंबर 1 टीम है, अपने परफॉर्मेंस से डिसअपॉइंटेड होगी। माइकल ब्रेसवेल का अगर हम थोड़ा परफॉर्मेंस अगर हटा ले तो बहुत डिसअपॉइंटेड उनकी बॉलिंग भी रही है, बैटिंग भी रही है दोनों ही मैच में। तो तीसरे वनडे में थोड़ा सा अपने नंबर 1 को बचाने के लिए बेहतर परफॉर्मेंस करने की जरूरत है, अदरवाइज ये सीरीज 3-0 से हार जाए अगर वर्ल्ड नंबर 1 तो उनके लिए भी अच्छा नहीं है। तो मुझे लगता है कि वापसी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो न्यूजीलैंड से। भारत के लिए वसीम अभी तक सब कुछ अच्छा गया, चाहे गेंदबाजी यूनिट की बात करें, चाहे बल्लेबाजी यूनिट की बात करें, और अब जब सीरीज ऑलरेडी आप जीत चुके हैं तो क्या इंदौर में कोई हम बदलाव देख रहे हैं? मेरे आपसे इसलिए भी पूछने का मतलब है कि बेंच पर जो खिलाड़ी बैठे हैं, उमरान मलिक हो गए, केएस भरत हो गए, रजत पाटीदार हो गए, क्या इनको या इनमें से किसी को मौका मिलने की उम्मीद? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि कोई चेंजेस होंगे। शायद भारतीय टीम को इसी कॉम्बिनेशन से खेलना चाहिए बड़ी पिक्चर को सामने रखते हुए, क्योंकि वर्ल्ड कप का साल है, और इसी कॉम्बिनेशन से खेलना चाहिए, और आपका वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग आप उसके पीछे दौड़ रहे हैं। तो एक और चीज़ है, आप सीरीज तो जीत चुके हैं लेकिन एक बड़ी उपलब्धि आप हासिल कर सकते हो नंबर 1 बन के। तो मैं कोई ऐसी चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि कोई चेंजेस होगा। चलिए, वसीम कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं चेंजेस का। आखिर में वसीम, आपसे प्रेडिक्शन, इंदौर में एक और रन फीस्ट, क्योंकि वहां पर भी बल्लेबाजों के लिए पैराडाइज मानी जाती है उस पिच को, तो एक बड़ा मुकाबला, बड़ा रन, और कौन फेवरेट, भारत न्यूजीलैंड? जी हाँ, इंदौर की पिच मानी जाती है, बड़ी अच्छी विकेट होती है, छोटा सा ग्राउंड है, काफी छक्के लगते हैं, तो बेहतर मुझे लगता है न्यूजीलैंड को थोड़ी बेहतर बैटिंग करनी होगी। बैटिंग उनकी थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड रही है, बॉलिंग इनएक्सपीरियंस है उनकी फास्ट बॉलिंग, बट बैटिंग मुझे लगता है कि और बेहतर हो सकती है, बड़ा स्कोर होने के चांसेस है। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा मुकाबला होगा, बट भारतीय टीम मुझे लगता है फेवरेट है, और क्लीन स्वीप करने के लिए मैं भारत को एक्सपेक्ट करता हूं। वसीम, आखिर में विराट प्रिडिक्शन। सीरीज शुरू होने से पहले आपने कहा था कि 1 शतक विराट कोहली के बल्ले से मुमकिन है कि हम देखेंगे, क्या अब इंदौर में वो हम देख पाएंगे? असल में अब तक इन दोनों ही मुकाबले में विराट कोहली शिकार हुए हैं सैंटनर के द्वारा। जी हाँ, थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड तो होंगे विराट कोहली के इतने सस्ते में वो आउट हो गए। पिछले कुछ टाइम से थोड़ा सा लेग स्पिनर के सामने थोड़े से कमजोर खेले हैं, चाहे वो आदिल रशीद हो, एडम जैम्पा हो, मिचेल सैंटनर ने 2 इनिंग में 2 बार आउट कर दिया। तो एक्सपेक्ट मैं करूंगा कि विराट कोहली बेहतर कमबैक करे, क्योंकि आगे बड़ी पिक्चर, जैसे हम बात करें 4 टेस्ट मैचेस है, नेथन लायन सामने होंगे, 4 अच्छे गेंदबाज है, फास्ट बॉलर वहां पर, तो विराट कोहली जैसा प्लेयर आप एक्सपेक्ट करते हो कि बेटर कमबैक करेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम हमारे साथ जुड़ने के लिए, और तमाम चर्चा के लिए, आपके सटीक एनालिसिस के लिए। एक बार फिर होगी आपसे मुलाकात। आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट फॉर मैच डे हिंदी।